नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो आज के इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, अब से आप मेरे द्वारा बने हुए कोर्स अनअकैडमी पर भी पा सकते हैं, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और मेरे द्वारा जितने भी कोर्सेज बने हुए हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके पहले हमने ये पहला जो लेक्चर पढ़ा हुआ था, तो उसके बाद ही हम ये कंटिन्यू करेंगे, चर्चा में लाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये जो वीडियो सीरीज है सिंधु घाटी की सभ्यता का, ये पूरी डिटेल में है। इसको पढ़ने के बाद आप जो है कोई भी प्रश्न आए सिंधु घाटी की सभ्यता का, आप आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो स्पेशली जो डिजाइन किया गया है ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए है, बाकी और अन्य एग्जाम में भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। और ये आपके लिए जो है बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट मैंने किया हुआ है। अगर आपको इतिहास का कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको ये पढ़ने के बाद इतिहास में इंटरेस्ट आ जाएगा और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि हमने सिंधु घाटी की सभ्यता को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है पढ़ने की सुविधा के लिए। तो सबसे जो पहला भाग था वो बेसिक जानकारी थी। तो बेसिक जानकारी के बाद हमने देखा था उत्पत्ति, जो अलग अलग जो विद्वान है उनके अलग अलग जो है कहने हैं कि इनकी इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई वैसे हुई, ये सब बात आपको बता दिया गया है। उसके बाद टाइम पीरियड की बात की गई थी, ये भी आपको बताया गया था। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, ये भी जानकारी आपको दे दी गई थी। उसके बाद विस्तार की बात की गई दोस्तों, कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। आपने देखा होगा पाकिस्तान और भारत में मेन है, मगर अफगानिस्तान में भी दो जो है स्थल हैं जो थोड़े बहुत मिलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से, तो इसलिए उसको भी जोड़ दिया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान, तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है अफगानिस्तान वाले। उसका देखिए दोस्तों, हम आज देखेंगे महत्वपूर्ण जो स्थल हैं और उनकी स्थिति और विशेषताएं, ये हम आज शुरू करने वाले हैं। तो ये वीडियो सीरीज लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए जरूर अगर आपको अच्छी लगती है। तो देखिए, मैप की सहायता से हमने विस्तार आपको बताया था कि इसका जो विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये सब आपको बता दिया गया है। देखिए, जो महत्वपूर्ण स्थितियां इसकी पूछी जाती हैं, चारों कोने इसके पूछे जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये भी आपको बता दिया गया था। जो पूर्व में है आलमगीरपुर, ये कहाँ पे है, मेरठ में, यूपी के मेरठ में है। और दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और सुतकांगेडोर जो कि पश्चिमी हिस्सा है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में। और मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये जो उत्तरी हिस्सा है। और दक्षिणी हिस्सा दाइमाबाद बता चुके हैं हम, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चारों कोने आपको याद होने चाहिए। अब देख लेते हैं प्रमुख स्थल। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर आप देखा जाए तो छोटे बड़े सबको मिलाकर ना 1500 के आसपास स्थल हैं, और बहुत सारे और भी स्थल हैं जो इनसे थोड़ा बहुत जो है उनके वो मिले हैं, तो उनको अगर ना गिने जाए तो 1500 के आसपास हैं। मगर उन स्थलों में केवल 7 स्थल ऐसे हैं जिनको नगर की संज्ञा मिली है, मगर उन 7 में से 6 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मगर 7 तो देख लीजिए। तो 7 स्थलों को केवल नगरों की संज्ञा मिली है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला जो है हड़प्पा, आप देख लीजिए। दूसरा मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, चिन्हुदड़ो और बनवाली। तो ये 7 स्थल जो है ये प्रमुख स्थल है जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है, बाकी जो स्थल है उनको नगर की संज्ञा नहीं दी गई है। तो सबसे पहले इनके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो हैं ये और इनके अलावा कुछ और जो स्थल हैं उनके बारे में एक एक जानकारी जो है वो पूछी जाती है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो सीरीज पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना हो बना लीजिएगा। और अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो हमने आपको बताया था टेलीग्राम ग्रुप पे आप जो है इसके नोट्स पा सकते हैं। तो जो पहला लेक्चर बताया गया था वो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है, आप सभी बच्चों ने उम्मीद है ले लिया होगा। इसका भी मैं जो है इसको खत्म करने के बाद, इसको पढ़ाने के बाद दूसरा भी पीडीएफ में आप डाल दूंगा, वो भी पढ़ सकते हैं आप। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हमें टेलीग्राम पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें सिंपली सर्च कीजिए @ हमारे चैनल का नाम श्री एजुकेशन, सर्च कीजिए हम मिल जाएंगे। तो चलिए देख ले, पहला स्थल जो है हड़प्पा, जो ओवरव्यू है थोड़ा बहुत ये जान लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं। हड़प्पा देखिए, इसकी खोज आपको मालूम होना चाहिए दयाराम साहनी ने कराई थी। माधव स्वरूप वत्स जो है इसके सहायक थे, मगर जो मेन खोजकर्ता है वो दयाराम साहनी है। ये स्थान कहाँ पे है, पाकिस्तान में। खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी।
पाकिस्तान में कहाँ पे है? मोंटगोमरी जिला में है, तो ये शाहीवाल के नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो देखिए, इसकी खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये स्थान कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत है उसका लरकाना जो जिला है वहां पे स्थित है और सिंधु के बाएं तट पर है। उसका देखिए धोलावीरा, धोलावीरा की जो खोज है जगपति जोशी ने की थी 1967-68 के बीच में खोज हुई थी। ये जगह कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है, मानसर नदी के तट पर है ये। उसका देखिए कालीबंगा, कालीबंगा जो है इसकी खोज अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल जी ने की थी, ये 1953 में की थी। टाइम पीरियड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड जो है दो के इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, ये याद रख लीजिएगा, बाकी किसी का टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता है। और जो कालीबंगा ये स्थान है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, गग्गर नदी के तट पर है। देखिए दोस्तों जो नदियां बताया जा रहा है ऐसा नहीं है कि ये सारे स्थल इसी के तट पर है, मतलब इनके आसपास जो नदियां हैं वो बताई जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जितने भी स्थल हैं वो कहीं ना कहीं किसी नदी के आसपास ही बसे हुए थे, तो इसलिए नदियों का नाम पूछा जाता है। उसका देखिए पांचवा स्थल है वो लोथल, इसकी जो खोज है ए रंगनाथ राव जी ने की थी 1954 में। और ये जगह कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में है और भोगवा नदी के तट पर है ये। ठीक है, उसके देखिए चंदोड़ो, ये इसकी खोज जो है एन गोपाल मजुमदार ने की थी, सिंध प्रांत के अंदर है, पाकिस्तान के नवाबशाह जिला के अंदर है ये, पाकिस्तान के और सिंधु नदी के तट पर है ये। बनवाली, उसके बाद देखिए बनवाली जो है इसकी खोज रविंद्र सिंह विष्ट ने की थी और ये जगह जो है हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर है ये। आलमगीरपुर देखिए दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा ने इनकी खोज की थी और यूपी के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है ये। उसका देखिए रंगपुर, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, इसकी जो खुदाई करवाई थी, और गुजरात के कठियावाड़ में है ये, और नदी का नाम पूछा जाए तो मादर नदी है। उसका देखिए कोट दीजी, इसकी जो खोज करता है और जो या आप कह सकते हैं उत्खनन जिन्होंने करवाया फजल अहमद, ये जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर। ठीक है, सिंध प्रांत के अंदर खैरपुर, सिंधु के बाएं तट पर ही है। उसका देखिए सुतकांगे डोर, इसकी जो खोज है वो जॉर्ज एफ डेल्स और आरएल स्टाइन ने करवाई थी इसी खुदाई, और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के मकराना बलूचिस्तान के समुद्र तट पर ही है। ठीक है, दाश्त नदी, ये इंपॉर्टेंट है, दाश्त नदी। उसके बाद देखिए रोपड़, रोपड़ इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी इसकी जो खुदाई है, और ये कहाँ पे है? पंजाब के रोपड़ में है। ठीक है, रूपनगर भी के नाम से भी आप जानते हैं, सतलुज नदी के तट पर ही है। ऐसा नहीं कि रोपड़ जो है सतलुज नदी के तट पर बसा हुआ है, मगर आसपास जो नदी है वो सतलुज नदी है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट नाम है, और भी नाम आएंगे दोस्तों, उसके लिए जो भी एक एक बातें इंपॉर्टेंट होगी वो बताया जाएगा आपको। तो फिलहाल जो 7 नगरों की जिन्हें संज्ञा मिली है उसकी हम चर्चा करेंगे। 7ों नगरों को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी नगर थे जो 7 नगर संज्ञा मिली ना, उनमें जो कुछ चीजें थी वो कॉमन थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो सभी नगर हैं लगभग 2 भागों में बटे हुए थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था दोस्तों वो नगर टीला कहलाता था, जो पश्चिमी टीला था वो दुर्ग टीला कहलाता था। और दुर्ग टीला की अगर बात की जाए, ये जो है सुरक्षा कवच से घिरा रहता था, मतलब पक्की ईंटों से इसे घेरा गया है। तो आप देखेंगे आगे चलकर यहाँ पे जो लोग रहते थे, प्रशासनिक लोग रहते थे, पुरोहित लोग रहते थे, मगर यहाँ पे नगर टीला की बात की जाए तो आम लोग रहते थे यहाँ पे। तो ये दो चीजें तो है सब जगह पाई गई हैं, जो जिन्हें नगर की संख्या दी गई जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, उनमें सब में ये दो चीजें जो है कॉमन पाई गई हैं। तो इन दोनों को तो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ और भी जो अन्य खासे बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला स्थान हमारा शुरू होता है हड़प्पा। तो चलिए हड़प्पा की बातें हमने आपको कुछ बताई दी हैं। तो हड़प्पा जो है स्थान, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है। पंजाब प्रांत में जो मोंटगोमरी जिला है, अब जो है साहिवाल के नाम से जाना जाता है, वहां पे स्थित है। और नदी की बात की जाए तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये आपको स्थिति इसकी मालूम पड़ गई है। उसका देखिए 1856 में ब्रंटन भाई जो थे, जो इंजीनियर थे, इसकी पहले हमने चर्चा की थी आपसे, तो इस पर उन्होंने जो है ध्यान केंद्रित करवाया, सरकार को बताया, मगर कोई खास जो है ध्यान इधर नहीं दिया गया उनके द्वारा, सरकार के द्वारा। मगर बाद में, बहुत बाद में चलकर 1921 में, आप टाइम पीरियड देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, बाद में 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दया राम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन करवाया। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है,
उसके देखिए यहाँ पाया क्या गया है, इसकी पूरी स्थिति मैंने मैप पे दिखा दी है। ये नगर टीला और जो दुर्ग टीला है ये तो है ही यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे जो है दुर्ग टीले के उत्तर में एक और टीला पाया गया है जिसे एफ टीले का नाम दिया गया है, और यहाँ पे जो दुर्ग टीला है उसे ए बी टीले का नाम दिया गया है, और ऊपर इसे एफ टीले का नाम दिया गया है, और इसी के दक्षिण की ओर एक कब्र पाई गई है जिसे R37 नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका जो है पूरी स्थिति है। तो एक एक करके हम एक एक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एफ टीले को उठाते हैं, तो देखिए एफ टीले में जो है तीन चीजें पाई गई हैं, 12 नगार पाए गए हैं, 18 वित्त का चबूतरे मिले हैं, और 15 श्रमिक के घर मिले हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में बताने से पहले आपको जैसा कि पता ही होगा, नगर टीला जहाँ सामान्य लोग रहेंगे, और दुर्ग टीला पुरोहित प्रशासनिक लोग यहाँ पे रहेंगे, और दुर्ग टीला जो है यहाँ पे पक्की ईंटों से ये सुरक्षा कवच के रूप में घेरा हुआ था, और इस दुर्ग का आकार जो है ये एक चतुर्भुज की तरह था, जिसकी जो है उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई बात की जाए तो 420 मीटर थी, जबकि पूर्व से पश्चिम बात की जाए तो 196 मीटर थी। तो इसका ढांचा आप समझ सकते हैं इस प्रकार का होगा, वैसे बन गया ये। तो ये लंबाई अधिक थी और ये लंबाई कम थी, ये 420 है उत्तर से दक्षिण, जबकि पूर्व से पश्चिम 196 मीटर थी, ये याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो जैसा कि हम जो है चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले दुर्ग टीला को ही उठाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हड़प्पा जो नगर है ये लगभग 5 किलोमीटर के जो लंबाई में फैला हुआ है, मेन रोड पर हाईवे पे आता है ये, जो पाकिस्तान के अंदर जो मेन रोड आप देखेंगे वहां पे लगभग 5 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 150 हेक्टेयर का इसका क्षेत्रफल है लगभग, और हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला कहा गया, बता दिया हमने, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। और हड़प्पा का जो दुर्ग टीला था, जो दुर्ग क्षेत्र था पश्चिम की ओर, वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसका आकार जो है समलंब चतुर्भुज की तरह था, और जिसकी लंबाई दक्षिण से उत्तर की ओर कितनी थी, 420 मीटर, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी थी, 196 मीटर, ये भी आपको बता दिया गया है। जो उत्खननकर्ता थे दोस्तों, जिन्होंने उत्खनन करवाया था ना, उन्होंने जो दुर्ग टीला था उसको माउंट एवी नाम दे दिया था। किस क्या नाम दे दिया था, माउंट एवी नाम दे दिया था, याद रखिएगा। और जो दुर्ग टीला था उसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार था वो उत्तर की दिशा में था, और जो दूसरा द्वार था वो दक्षिण की ओर था, तो उत्तर और दक्षिण में इसके द्वार थे, याद रखिएगा। और रक्षा प्राचीर लगभग 212 मीटर ऊंची थी, जिसमें स्थान स्थान पर तोरण अथवा बुर्ज बने हुए थे, जैसे घेरा जाता है इस तरीके से। और आपको हमने बताया कि हड़प्पा का जो दुर्ग वाला टीला है उसके उत्तर की ओर, उसके बाहर उत्तर की ओर लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को जो है एफ टीला नाम दिया गया है, वो हमने आपको बता दिया कि जो है ये आपका एफ टीला है। ठीक है, तो देखते हैं एफ टीले की ओर। तो जिस पर क्या आपको मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, जहां पर 12 अन्नागार मिले हैं टोटल, और अनाज कूटने की जो है वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं वो कितने मिले हैं, वो टोटल 18 मिले हैं, और श्रमिक आवास मिले हैं, श्रमिकों के जो घर मिले हैं वो 15 घर मकान मिले हैं, जो कि दो पंक्तियों में थे, एक में 8 एक में 7। और दोस्तों जहाँ पे मकान था उसी बस्ती के पास जो है 16 भट्टियां भी मिली हैं। ठीक है, 16 भट्टियां मिली हैं, और धातु बनाने का जो है एक मूसा भी मिला है वहां से। तो धातु को जो है यहाँ पे बनाया था, जो मिश्रित धातु थी कांसा को बनाया जाता था, जैसे टीन और आपको जो है तांबे को मिलाएंगे तो कांसा बनता है, ब्रोंज बनता है उसका। देखिए एफ टीला की बात करते हैं दोस्तों, एफ टीला से क्या मिला है ये इम्पोर्टेंट है। तो जो एफ टीला है, जो हमने आपको बता ही दिया, पहले बता दिया, 6-6 के अनुपात में जो दो पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त है। अन्नागार मिले हैं 12 अन्नागार मिले हैं, 6-6 के अनुपात में मिले हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। उससे देखिए अनाज कूटने वाला जो वृत्ताकार चबूतरा मिला है, जिनका प्रत्येक का आकार जो है लगभग 5×20 मीटर का है। उसके देखिए हड़प्पा के एफ टीले में पक्की हुई ईंटों से निर्मित 18 वित्तका चबूतरे, हमने बताया ना आपको 18 वित्तका चबूतरे मिले हैं, जहाँ पे जो है अनाज पीसने का उपयोग किया था इसका, तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे ये हुआ करता था। तो इन चबूतरों में जो है ईंटे खड़े हुए से जोड़ा गया, खड़ी खड़ी ईंटे जोड़ा गया इस तरीके से। ठीक है, और ये जो है इनका अगर व्यास की बात की जाए 3.2 मीटर इसका इनका व्यास था, और हर चबूतरे में संभवतः ओखली लगाने के लिए छेद था। इन चबूतरों के छेदों में राख मिली है, जले हुए गेहूं मिले हैं, और जौ के दाने मिले हैं, और भूसा के तिनके मिले हैं यहाँ पे। तो याद रखिए ये सब चीजें जो है मिली हुई हैं। उसके बाद देखिए जो मार्टिमर व्हीलर जी हैं, उनका अनुमान यह है कि इन चबूतरों का उपयोग जो है अनाज पीसने के लिए किया जाता रहा होगा।
और यहाँ के बगल में जो है श्रमिक आवास के रूप में विकसित 15 मकानों की दो पंक्तियां मिली हैं। एक पंक्ति में 7 मकान और दूसरी पंक्ति में 8 मकान, और प्रत्येक मकान का जो आकार है वो 17x7.5 मीटर का है, और प्रत्येक घर में जो है कमरे और आंगन होते थे। तो ये आपको समझ में आ गया FTDA के बारे में। अब कब्रिस्तान देखिए, R37 की बात करते हैं। हड़प्पा के सामने जो दक्षिण की ओर है आवास क्षेत्र के दक्षिण में, बताया हमने आपको, एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। यहाँ पर खुदाई से कुल 57 शवदान पाए गए हैं, ठीक है, याद रखिए 57 शवदान पाए गए हैं। और जो शव थे वो ज्यादातर जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, मतलब उत्तर की ओर उस शव का सिर था और दक्षिण की ओर उसका पांव था। और एक कब्र में लकड़ी के ताबूत में लाश को रखकर यहाँ दफनाया भी गया था, यहाँ पे जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। जो टोटल 57 शवदान में जो 12 शवदान है उनमें कांसे दर्पण भी पाए गए हैं, उनसे जो है कांसे का दर्पण भी पाया गया है। और एक नोट याद रखिए दोस्तों, सन 1934 में एक अन्य समाधि यहाँ से मिली थी जिसे H समाधि के नाम से जाना गया है, मगर इस समाधि का जो है हड़प्पा सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। यह समाधि जो है हड़प्पा सभ्यता के बहुत बाद का था, ठीक है, तो H समाधि मिली है ये अर्घ्य उसका। देखिए नगर टीले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ से जो है तांबे के जो है इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, और यहाँ से सबसे अधिक लिखित अभिलेखीय मोहरें, लोग मोहरें कहाँ सबसे अधिक मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में। मगर अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि लिखित जो मोहरें हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई हैं, तो आप क्या बताएंगे, हड़प्पा जो स्थान है वहां से, ठीक है, हड़प्पा से लिखित मोहरें पाई गई, मतलब ऐसी मोहरें जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ छपा हुआ है, तो वो सबसे अधिक हड़प्पा से पाई गई हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मोहरें पाई गई हैं। आप देखेंगे 1200 से अधिक मोहरें हैं, 1300 समथिंग इसके कुल गिनती अब तक बताई गई है, मगर 1200 के आसपास ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमने आपको बताया सबसे अधिक मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। अगर ऐसा लिखा जाए लिखित अभिलेखी जो मोहरें हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, हड़प्पा से। उसके देखिए हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक शिंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक। तो दोस्तों ये बात थी जो है आपकी हड़प्पा की। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चुनीदड़ो, बाकी जो नगर हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। मोहनजोदड़ो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, वो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम आपको बताएंगे वो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है इसके मैं नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ, इसके PDF प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, मगर जो 4 वीडियो आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर वो जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।